चलो देखो, अब पोजीशन डायग्राम देखो अलग अलग तरीके का। देखो कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन का देख लिए, वेरिएबल एक्सेलरेशन का देख लिए, अब ध्यान से पता क्या चल गया अभी इतने में कि अगर टाइम के प्रोपोर्शनलिटी के पावर वन रहेगी अगर, तो ग्राफ सीधा स्ट्रेट लाइन बनने वाला है, पावर टू रहेगा तो कर्व बनने वाला है, रूट रहेगा तो डाउन की तरफ कर्व बढ़ेगा। और अब आगे देखो, जैसे पहले क्या था कि अगर x प्रोपोर्शनल टू t है, क्या है x प्रोपोर्शनल टू t, x और t का ग्राफ कैसे बनना है, इसका मतलब x जीरो का टाइम जीरो, x वन तो टाइम वन, x वन तो टाइम वन, x टू तो टाइम टू, इस तरह करते करते स्ट्रेट लाइन बनेगा। इस केस में क्या आ रहा था, इस केस में वेलोसिटी कांस्टेंट आ रही थी और एक्सेलरेशन दोनों कांस्टेंट आ रहा था, दूसरा पर है कि x का पावर t के अगर प्रोपोर्शनल आ गया तो ग्राफ हमारा कर्व जाएगा, ठीक है। यहाँ वेलोसिटी क्या आ रही थी 2kt, और उसमें 2 यहाँ पे वेलोसिटी कैसे है vt के प्रोपोर्शनल थी, किसके प्रोपोर्शनल पे, लेकिन यहाँ पे फिर एक्सेलरेशन कैसा आ रहा था, कांस्टेंट आ रहा था, यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो t के प्रोपोर्शनल है। थर्ड हमने ग्राफ अभी देखा है कि अगर रूट डाल दें, अगर x की प्रोपोर्शनलिटी रूट t डाल देते हैं तो ग्राफ हमें उल्टा मिलता है, हमारा ग्राफ है ऐसे जाता है, ठीक है। इस समय में वेलोसिटी क्या कितनी मिल रही थी, 1/4 kt 3 / 3/2 ना, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है t के पावर 1/2 के प्रोपोर्शनल थी, है ना, कांस्टेंट तो नहीं, ये वेरिएबल वेलोसिटी है, क्या है यहाँ ये वेरिएबल है वेलोसिटी हमारे पास, और एक्सेलरेशन कैसे मिल रहा था यहाँ 1/4 kt - 3/2, यहाँ पे एक्सेलरेशन भी टाइम पे डिपेंड करने जा रहा है, इसपे इन दोनों में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, टाइम के इंडिपेंडेंट है, तो इस पे डिपेंड कर रहा है, ये वेरिएबल है, अब वेलोसिटी वेरिएबल है तो एक्सेलरेशन तो वेरिएबल होना ही है, एक्सेलरेशन क्या था चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, अगर आपका चेंज ही वेरिएबल में आ रहा है तो एक्सेलरेशन तो वेरिएबल में आएगा, और चेंज अगर कांस्टेंट आ रहा है तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट ही आना है। ये तीन तरह के ग्राफ हम पढ़ चुके हैं, अब देखो ध्यान से, ये सारे हमने पॉजिटिव पावर के ग्राफ पढ़े हैं, इसका पावर 1 है, इसका 1/2, इसका पावर 2 है और इसका पावर 1/2 है, रूट है ना, तो पावर 1/2। चौथा ग्राफ है, अगर ऐसे दिया हो कि x प्रोपोर्शनल टू 1/t, इसका मतलब x प्रोपोर्शनल टू t का पावर -1, जब x प्रोपोर्शनल टू t के पावर 1/t हो, जब x प्रोपोर्शनल टू t का पावर -1 होगा तो ग्राफ देखो ऐसे बनता है, देखो पावर आगे, अब पावर में से एक कम, एक और कम हो जाएगा पावर में से, वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी t स्क्वायर के प्रोपोर्शनल भी माइनस में, किसमें है माइनस में, यहां से एक्सेलरेशन निकालो, अब एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं dv/dt, पावर आगे आ जाएगा तो माइनस टू का पावर आ जाएगा तो प्लस टू बना देगा, और t के फिर पावर एक और माइनस हो जाएगी, तो ये कैसे बन जाएगा,
ये वेलोसिटी टी के स्क्वायर की इनवर्स प्रोपोर्शनल है, ये कांस्टेंट तो है नहीं, तो वेलोसिटी यहां पे वेरिएबल है, कैसे है वेरिएबल, और एक्सेलरेशन भी यहां पे वेरिएबल वेरिएबल, ठीक है। पांचवा ग्राफ देखो, पांचवा ग्राफ कुछ इस तरह से आ सकता है कि हमारा जो x है वो प्रोपोर्शनल है 1/t² है, किसके, तो 1/t और 1/t² के प्रोपोर्शनलिटी में अंतर बस इतना आता है कि ग्राफ का जो डेप्थ होता है वो बढ़ जाता है, जो कर्व होता है, देखो ये और डीप में बनेगा, इसी है ना, अब ऐसे बनाया ना, ये और डीप में जाएगा, ऐसे और कर्व जाएगा, ऐसे समझ रहे हो, ये और कर्व जाएगा, ये थोड़ा ऐसे है और ये थोड़ा और कर्व में जाएगा, ठीक। अगर ये डिस्टेंस है तो इसको क्या लिख सकते हैं कि x प्रोपोर्शनल टू t का पावर -2 है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट करेंगे t के पावर kt-2, ये तो पोजीशन हो गई, इससे वेलोसिटी निकाली जा सकती है, तो यहां से वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, पावर आगे और पावर में से एक कम, तो पावर आगे आ गया और पावर में से एक और कम कर दी, क्या ये वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, ना वेरिएबल है ना, टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो ये वेलोसिटी कैसे, देखो वेलोसिटी आई कितनी -2kt का प्रोपोर्शनलिटी 1 जब तक नहीं रहेगा, या t के प्रोपोर्शनलिटी नहीं रहेगी जब तक वेलोसिटी वेरिएबल रहेगा, अगर नहीं रहेगा तब तक तो वेरिएबल ही रहेगा, वेरिएबल है, चेंज करने पे चेंज हो जाएगा, एक्सेलरेशन निकालो, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं dv/dt करके, प्लस v की वैल्यू कितनी है -6 t - 4 t - 4 t - 4 t - 4 t - 4 t - 4 t - 4 t - 4 t - 4 t - 4 t - 4 t - 4 t - 4 t - 4 t - 4 t - 4 t - 4 t - 4 t - 4 t - 4 t - 4 t - 4 t - 4 t - 4 t - 4 t - 4 t - 4 t - 4 t - 4 t - 4 t - 4 t - 4 t - 4 t - 4 t - 4 t - 4 t - 4 t - 4 t - 4 t - 4 t - 4 t - 4 t - 4 t - 4 t - 4 t - 4 t - 4 t - 4 t - 4 t - 4 t - 4 t - 4 t - 4 t - 4 t - 4 t - 4 t - 4 t - 4 t - 4 t - 4 t - 4 t - 4 t - 4 t - 4 t - 4 t - 4 t - 4 t - 4 t - 4 t - 4 t - 4 t - 4 t - 4 t - 4 t - 4 t - 4 t
एक्सेलरेशन, क्या ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? नहीं, एक्सेलरेशन कैसा है इसका? वेरिएबल है। चलो भाई, एक्सेलरेशन तो वेरिएबल है। इन दोनों ग्राफ में अंतर क्या है? दोनों देखो ऐसे नीचे की तरफ कर्वी बन रहा है, लेकिन इसका पावर वन था, थोड़ा ऐसे कर्व बनेगा और ये थोड़ा और डीप में जाके कर्व बनेगा। ये समझ में आ गया? अब देखो आगे, अब ग्राफ के लेवल कंडीशन बनाते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ। अब क्या करते हैं, एक ऐसी कंडीशन चूज करते हैं जहां पर हमें ये देखने को मिले कि एक ही टाइम पे अलग अलग जगह पे एक ऑब्जेक्ट दो पोजीशन पे पाया जा रहा है, लेकिन पॉसिबल तो है नहीं प्रैक्टिकली। एक ही समय पे एक ऑब्जेक्ट एक ही जगह पे हो सकता है, दो जगह तो हो नहीं सकता। अभी मैं यहाँ पे हूँ तो यहीं पे हूँ, ऐसा नहीं कि अभी यहाँ पे भी हूँ अपने घर पे भी नजर आ रहा है, ऐसा तो है नहीं। तो इसके लिए कुछ भी ऐसे मान लो कोई डिस्टेंस ऐसे ऐसा कोई ग्राफ बना है, मान लो ऐसा, ठीक है, ऐसे बना है, कोई एक टाइम ले लो, यहाँ पे इस टाइम पे ले लो, ठीक, इस टाइम पे मेजर करो, यहाँ से लाइन खींचो, स्ट्रेट डॉटेड लाइन ऐसे, ठीक है। ये यहाँ पे तो जहां जहां ग्राफ कट करता है, यहाँ कट किया, यहाँ पोजिशन है कितनी, एक पोजिशन यहाँ बता रहा है, इसके सीधे में एक पोजिशन यहाँ और एक पोजिशन यहाँ, तो एक ही टाइम पे ऑब्जेक्ट तीन पोजीशन पे, कितने पोजीशन पे, तीन पोजीशन पे, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर ये टाइम टी डैश डालो तो ये x1 पे भी है, ये x2 पे भी है, और ये x3 पे भी है, ये तो पॉसिबल तो है नहीं, ये नॉट पॉसिबिलिटी का ग्राफ है, नॉट पॉसिबल। एट सेम टाइम, एट सेम टाइम ऑब्जेक्ट मस्ट बी एट वन पोजीशन, मस्ट बी एट वन पोजीशन या मोर देन वन पोजीशन, वन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट सेम टाइम इज नॉट नॉट पॉसिबल। भगवान ही हो सकते हैं खाली, एक जगह पॉसिबिलिटी है, भगवान जी एक के टाइम पे सब करे घर में रहो, है कि नहीं,
सब लोग को देखते हैं, सब लोग को सब दिखता है, ये नॉट पॉसिबल कर रहा है। ठीक है, और हम एक चीज कह सकते हैं कि पोजीशन टाइम ग्राफ में हम टाइम को ही कांस्टेंट करते हैं। क्या करते हैं, अगर ये ग्राफ ऐसा बने खाली, ठीक है, तो टाइम ही कांस्टेंट है। अभी क्या चल रहा है, टाइम कांस्टेंट है, डिस्टेंस नहीं है, टाइम कांस्टेंट है, मेजर ही नहीं कर रहा है, टाइम उतने का उतने रहेगा। 5 सेकंड में 5 ही सेकंड लगे, उसी पे ग्राफ बने जा रहा है, बने जा रहा है, बने जा रहा है। इसमें यही सारी चीजों को पता करना है। अभी ये वाला पहले वीडियो में बताए थे, ये इस तरह से डाटा आता है, इस तरीके से सबका डेरिवेशन हुआ था इसका। इसमें क्या है कि जब x t के पावर 1 पे प्रोपोर्शनल है तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट थी और एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट था, लेकिन जब x t के पावर 2 पे चला गया तो वेलोसिटी तो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही थी लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही आ रहा था। लेकिन जब अंडर रूट के पावर में गया तो वेलोसिटी भी वेरिएबल आ गई, एक्सेलरेशन भी वेरिएबल आ गया। फिर यहां पे जब x के पावर t इनवर्स किया गया, t का पावर -1 किया गया, तो वेलोसिटी भी वेरिएबल आने लगी और एक्सेलरेशन भी वेरिएबल आने लग गया। और फिर उसी तरह से यहां देखा कि t के इनवर्स t स्क्वायर किया गया, x प्रोपोर्शनल टू t का पावर -2 किया गया, तो वेलोसिटी फिर से वेरिएबल आ गया, एक्सेलरेशन भी वेरिएबल। और ये तो पोजीशन एग्जिस्ट करती ही नहीं है, एक समय पे एक ऑब्जेक्ट एक ही पोजीशन पे हो सकता है, दो पोजीशन पे नहीं हो सकता। इन सबको ग्राफ को देख लो, ये सारे ग्राफ इसी तरीके से आएंगे। ठीक है, अगर इसका ग्राफ, अगर इस पोजीशन को हम लोग ओरिजिन से नॉट नाप के यहां से नाप रहे हैं, तो इसको x नॉट लिखेंगे इक्वेशन में, t स्क्वायर प्लस x नॉट, इसको करेंगे तो अंडर रूट डालेंगे, सेम इस तरीके से। तो इतना आज इतना हम लोग ग्राफ पढ़ रहे हैं, इतने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। ठीक है, पूरे नोट डाउन कर लो सारे सारे के सारे, वो जल्दी से पार। चलो।